अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मरियम्स फूड। आज मैं आपके लिए कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी रेसिपी है। ये हम एकदम राजस्थानी मारवाड़ी स्टाइल में कढ़ी बनाएंगे। तो उससे पहले प्लीज़ मरियम्स फूड को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक बाउल में दो बड़े कटोरे दही लिया है, तकरीबन ये 500 ml दही होगा। इसमें मैं कम से कम 6 बड़े चम्मच बेसन ऐड करूँगी। अगर मैं क्वांटिटी में आपको बेसन बताऊँ तो तकरीबन ये 150 से 200 ग्राम बेसन होगा। इसमें 1 चम्मच मैंने रेड चिल्ली, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। इसका अच्छे से हम बैटर तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में या कढ़ाई में, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, 4 बड़े चम्मच मैंने तेल लिया है और ये कुछ मसाले हैं जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद अच्छे से जब हमारा तेल हीट हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा हल्का सा स्प्लिटर होगा हमारा, तो उसके बाद हम 1 चम्मच ही भर के डालेंगे सरसों, मस्टर्ड सीड जिन्हें कहते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर, तो आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप राई भी ऐड कर सकते हैं। मारवाड़ी जो कढ़ी होती है उनमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डलती हैं। बस अब दोनों चीज़ें हमारी स्प्लिटर हो जाएंगी, तो उसके बाद ये धनिया, सौंफ और 3 लौंगे और मेथी दाना है 1/2 चम्मच, वो मैं ऐड कर दूँगी। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से तेल में हम स्प्लिटर होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने कट की थी ऑमलेट कटिंग में, वो मैं ऐड कर दूँगी। और जैसे उसको थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा तेल के अंदर हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, कद्दूकस किया है, थोड़ी सी मैंने लहसुन को कद्दूकस कर लिया है और 1 बड़ी हरी मिर्च मैंने ली है जो मैंने काट ली है, वो डाल के हम अच्छे से सारी चीज़ों को भून लेंगे। और फिर इसके बाद 1 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे ऐसे ही क्रश करके। अब इसके बाद जो हमने बैटर तैयार किया था वो अच्छे से एक बार और फेंट लेंगे ताकि नीचे लम्स ना रह गए हो या बैठ ना गया हो। और हम सारा का सारा स्लो फ्लेम पे डालेंगे हम। और 1 बड़ा बाउल हमारा बैटर था, तो कम से कम हम 4 बड़े बाउल जिससे हमने बैटर डाला है इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल पतली कढ़ी हमने रखनी है, ये पकने के बाद थिक होती है। वैसे बेसन कम ही डलता है कढ़ी में, तो वो गाढ़ी नहीं पड़ती है, तो इसलिए हमें बेसन कम ही डालना है, क्योंकि हमें गाढ़ी कढ़ी नहीं बनानी है। हमें वो जो अच्छी सी कंसिस्टेंसी वाली खट्टी खट्टी कढ़ी होती है वो बनानी है। तो बस अभी हमारे कढ़ी में उबाल आ चुका है। जब तक उबाल नहीं आया था, कंटिन्यूसली हमने इसे चलाना है। और उबाल आने के बाद अब इसे पकने देंगे। तब तक हम करते हैं पकौड़ों की तैयारी। इसके लिए मैंने इस कटोरी से इसमें 1.5 कप बेसन लिया है। और अब इसके अंदर हम 1 चम्मच से थोड़ी कम मैंने लाल मिर्च और 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। 2 पिंच के आसपास मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। और ये 1 छोटी सी प्याज थी जो मैंने कद्दूकस कर ली है। इससे पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से आपके पकोड़े एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बनेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे आपके पकोड़ों में। 1/2 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और बस अब इसका अच्छे से पानी डाल के हम बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें भी लम्स नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, अच्छे से मैं फेंट रही हूँ। बस इतने ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे तो ये और थोड़ा सा थिक हो जाएगा जब तक हमारी कढ़ी पकती है। अब देखिए, हम कढ़ी देख लेते हैं। कढ़ी भी हमारी पकते हुए 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। और देखिए, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं जो पैन है उससे नीचे आ चुकी है, निशान आपको दिख रहा होगा। इतने ही बस हम कंसिस्टेंसी इसकी रखेंगे, ज़्यादा हम इसे गाढ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम इसे पकौड़े डालने के बाद भी पकाएंगे तो भी ये थिक होगी, और ठंडी होने के बाद भी ये जो कढ़ी है वो हमारी थोड़ी गाढ़ी पड़ती है। तो अब हम इसे
थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर और पकने के लिए, 5 से 10 मिनट, जब तक हम अपने पकोड़े तलने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल की हीट चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा जो बैटर तैयार किया था पकोड़ों का वो डाल के चेक कर लिया है, वो ऊपर आ गया है, तो इट मीन्स हमारा तेल रेडी है। अब मैं इसमें चम्मच से डाल रही हूँ, आप हाथ से भी डाल सकते हैं। एक एक करके सारे पकौड़े हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और ये हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे तलना है, हाई हीट पे नहीं तलना, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये आपको ऊपर छेद छेद से नज़र आ रहे होंगे पकौड़ों में, इट मीन्स ये अंदर से पूरे पक रहे हैं, अच्छे से पक चुके हैं। बस अब अच्छे से हम इसको पलट देंगे सारे पकौड़ों को, धीमी आँच पे ही हमने बनाने हैं, मीडियम फ्लेम कर सकते हैं बट हाई फ्लेम पे आप मत पकाइएगा, वो अंदर कच्चा कच्चा सा बेसन आता है फिर वो अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए बढ़िया सा कलर भी आ चुका है हमारे पकोड़ों पे, ये देखिए दूसरे साइड से भी पक चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, ये जो आपको छेद छेद नज़र आ रहे हैं, आप अब पकोड़ा अंदर से तोड़ेंगे तो उसमें तेल निकलेगा। ये देखिए कढ़ी हमारी स्लो फ्लेम पे पक रही है। अब सारे के सारे हम जो पकोड़े हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम चला लेंगे। और अब इसे डालने के बाद 10 से 15 मिनट पकाने के बाद ये कंसिस्टेंसी है, बस इतनी ही हमें चाहिए। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और तड़के की तैयारी करते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने घी डाला है और 1/2 चम्मच मैंने राई, मतलब मस्टर्ड सीड आप डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच ज़ीरा, 3 लाल वाली सूखी मिर्च और 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। और फटाफट मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है तड़के के बाद। और ये देखिए कढ़ी में अच्छे से हमारा तड़का लग चुका है, बढ़िया सा कलर हमारी कढ़ी में आ चुका है, बहुत ही मज़े की कढ़ी बनके तैयार होती है। इस मेथड से आप ज़रूर बनाइएगा, मैं आपको इसे अंदर से एक बार पकोड़े को तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए अंदर से आप कोई जालीदार पकोड़ा नज़र आ रहा होगा, कच्चा बेसन आपको इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत ही टेस्टी यम्मी है ये। गाइस अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह आपके खानों में बरकत दे। तो चलिए मैं इंजॉय करती हूँ अपनी कढ़ी, आप भी ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।